हाय गाइस, मैं सर पासिस कुमार सिविल इंजीनियर, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल है सर। आज के वीडियो में हम देखेंगे बीम साइज फॉर 18 फुट स्पैन। बीम स्पैन कहने का मतलब है कि जब आप या दो कॉलम के बीच बीम जो प्रोवाइड करना है उसके बीच का डिस्टेंस जो है 18 फीट है, तो उसमें बीम का साइज क्या होगा और बीम में जो सरिया प्रोवाइड करेंगे वो कितना मिनिमम नंबर ऑफ बार प्रोवाइड करेंगे और रिंग प्रोवाइड करेंगे वो कैसे प्रोवाइड करेंगे, तो हम यहाँ पे डिटेल इसका देखेंगे। जैसे कि आप कह रहे हैं ये आपका कॉलम है, ये दो कॉलम के बीच में आपका बीम प्रोवाइड किया गया है। ये बीम जो प्रोवाइड किया गया है ये आप देख रहे हैं कि इसका जो क्लियर स्पान होता है, सेंटर टू सेंटर जो कॉलम का डिस्टेंस होता है ये आपका क्लियर स्पान होता है। तो यहाँ पे बीम का जो क्लियर स्पान है वो आपका कितना है 18 फीट। तो ये बीम है आपका, तो 18 फीट जब दो कॉलम के बीच का डिस्टेंस और बीम प्रोवाइड किया जाएगा तो इस बीम का साइज क्या होगा और इसमें सरिया कैसे प्रोवाइड करेंगे, तो आइए हम यहाँ पे थंब रूल के द्वारा देखेंगे। जैसे हम थंब रूल देखते हैं, थंब रूल आपका क्या होता है फॉर रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए, तो फर्स्ट थंब रूल आपका होता है कि 1 फीट स्पैन ऑफ द बीम बराबर आपका होता है इक्वल 1 इंच डेप्थ ऑफ द बीम, 1 इंच डेप्थ ऑफ द बीम, यानी 1 फीट स्पैन ऑफ द बीम है आपका, तो डेप्थ जो इसका हम फाइंड करेंगे 1 इंच होगा। हेयर आपका जो है यहां पर स्पैन जो है, स्पैन जो बीम का है वो आपका कितना है 18 फीट, तो यहां पर 18 फीट बीम का स्पैन है, तो डेप्थ जो हो जाएगा वह बीम का, डेप्थ ऑफ बीम कितना होगा 18 इंच, स्पान 18 फीट है तो बीम का डेप्थ कितना हो जाएगा 18 इंच हो जाएगा। और यहां पे विड्थ जो आपका होगा बीम का, विड्थ ऑफ बीम, तो विड्थ ऑफ बीम जो हम लेंगे, जो वॉल हम प्रोवाइड करते हैं कंस्ट्रक्शन करते हैं उसके अकॉर्डिंग लेंगे। यदि यहाँ पे आप जानते हैं कि वॉल का जो कंस्ट्रक्शन होगा 10 इंच और 9 इंच का होगा, तो यहाँ पे जो हम इंक्लूड किए हैं 10 इंच का इंक्लूड किए हैं, तो आपका साइज ऑफ बीम जो हो जाएगा साइज ऑफ बीम, तो बीम का साइज आपका क्या हो गया 10 इंच टू 18 इंच, यानी जो यहाँ पे लटक बीम जो प्रोवाइड किया जाएगा उसका साइज क्या होगा 10 इंच टू 18 इंच। अब हम नेक्स्ट इसमें प्रोवाइड करेंगे सरिया, यानी सरिया मिनिमम नंबर ऑफ कितना प्रोवाइड करेंगे, तो सरिया जो इसमें प्रोवाइड करेंगे मिनिमम नंबर ऑफ बार कितना होगा, तो मिनिमम नंबर ऑफ बार जो इसमें हम 8 बार जो है मिनिमम नंबर ऑफ बार प्रोवाइड करेंगे। तो इसमें आपका दो जोन होता है, जिसमें आपका बॉटम में आपका टेंसाइल जोन होता है, तो बॉटम में टेंसाइल जोन में देखेंगे कि कितना टेंसाइल जोन में जो सरिया प्रोवाइड किया जाएगा वो आपका 4 नंबर ऑफ बार होगा, 4 नंबर ऑफ बार 16 mm का, और जो आपका बॉटम टॉप पार्ट में होगा, टॉप पार्ट में यानी कंप्रेशन जोन में जो होगा, तो कंप्रेशन जोन में जो बार प्रोवाइड किया जाएगा वो आपका 4 नंबर ऑफ बार प्रोवाइड किया जाएगा, ये आपका 12 mm का बार प्रोवाइड किया जाएगा। और इसमें जो स्ट्रिप हम प्रोवाइड करेंगे, यानी स्ट्रिप जिसे हम लोग रिंग बोलते हैं, तो स्ट्रिप जो प्रोवाइड किया जाएगा रिंग वो आपका 8 mm डाया का होगा, 8 mm डाया का होगा, और सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस होगा वो आपका कितना होगा 6 इंच होगा, यानी 6 इंच सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस में जो है 8 mm डाया का आपका रिंग प्रोवाइड किया जाएगा। तो इस तरह से 18 फीट का जब स्पान हो और आपका बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करना हो, बीम का कंस्ट्रक्शन करना हो, तब इस तरह से उसका साइज प्रोवाइड करेंगे और सरिया प्रोवाइड करेंगे।